वेलकम बैक एवरी वन रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम क्लास एट जोग्राफी एन सी आर टी फर्स्ट क्वेश्चन फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्सेज का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर सकता है या जो हमारी जरूरत को फुलफिल कर सकता है रिसोर्सेज के फीचर में देखें तो वो यूटिलाइजेबल होता है उसमें एक प्रकार की यूजेबिलिटी होती है और उसकी एक वैल्यू या वर्थ होती है फर्स्ट ऑप्शन इकोनॉमिकली यूटिलाइजेबल सेकेंड ऑप्शन देखें कैटेगराइज ओनली एज स्टॉक स्टॉक का मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज लेकिन रिसोर्सेज का सिर्फ टाइप स्टॉक ही होता है हम ऐसा नहीं कह सकते हैं सो कैटेगराइज ओनली एज स्टॉक ऑप्शन नंबर टू यहां पे रॉन्ग है सो द राइट आंसर इकोनॉमिकली यूटिलाइजेबल ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सिस एवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस विद यूटिलिटी टर्म्ड एज अगर रिसोर्सेज की एवेबिलिटी है और अगर वो हमारे लिए यूटिलाइजेबल है ऑप्शन नंबर वन ट्रेडिशनल ऑप्शन नंबर टू रेन्यूबल ऑप्शन नंबर थ्री बोथ लेकिन यहां पे जो इसका जो राइट जवाब है उसे क्या बोलते हैं स्टॉक कहते हैं एस टी ओ सी के सो स्टॉक हमें यहां पे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ तीज नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following ज नॉट आ प्रिंसिपल ऑफ इको फ्रेंडली डेवलपमेंटल मॉडल किसी इको फ्रेंडली डेवलपमेंटल मॉडल या सस्टेनेबल डेवलपमेंटल मॉडल का किसे आप एक पॉइंट नहीं मान सकते हैं या प्रिंसिपल नहीं कंसिडर कर सकते हैं फोकस ऑन एक्सटेंसिव कंजम्पशन जब हम लोग एक्सटेंसिव कंजम्पशन करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव कंजन करेंगे तो वहां पर रिसोर्सेस की डिग्रेड होने की उसके क्वालिटी की डिप्लीट होने की और रिसोर्सेस की जल्दी खत्म होने की संभावनाएं स्पेशली नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स के रिगार्ड ज्यादा देखी जाती है और इस कारण से हमें एक सीरियस इकोलॉजिकल कंसर्न देखने के लिए हमें मिल सकता है तो यहां बायोटिक so, वर्ल्ड for जब हम लोग इकोलॉजी की बात करते हैं तो component, component, सभी कॉम्पोनेट का एक सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस एक हेल्दी इकोलॉजिकल बैलेंसेस के लिए जब होता है सो द राइट आंसर रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ बायोटिक वर्ल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फॉर मास मास मूवमेंट मूवमेंट के लिए किन फैक्टर को हम रिस्पॉन्सिबल मानेंगे मास मूवमेंट का पहले मतलब क्या होता बल्क मूवमेंट ऑफ सॉयल एंड रॉक डेब्रीस डाउन स्लोप इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ ग्रेविटी जहां पे स्लोप ज्यादा होता है कोई भी रियलिफ लाइक माउंटेन लाइक प्लेटू लाइक प्लेन और पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण सॉयल का रॉक डेब्रिज का बड़े बड़े पत्थरों का नीचे की ओर खिसकना सरकना हम इसे ही मास मूवमेंट या कई बार हम इसे मास वेस्टिंग भी कहते हैं इसी की एक के एक एग्जांपल के फॉर्म में आप लैंडस्लाइड को देख सकते हैं तो इसके पीछे कारण कौन सा है या कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है अर्थक्विक के कारण वाइब्रेशन होता है तो वो मास मूवमेंट को जनरेट कर सकता है लेकिन ड्रॉट यहाँ पर उतना रिस्पॉन्सिबल फैक्टर नहीं है फ्लड के कारण भी हो सकता है लेकिन यहां पे ड्रॉट रिस्पॉन्सिबल नहीं है हैवी डाउन पोर या हैवी प्रेसिपिटेशन के कारण अगर फ्लड आता है रिवर वाटर की स्पीड बढ़ती है कहीं कहीं स्विफ्टी स्ट्रीम भी बहुत बड़े पैमाने पे मास मूवमेंट का एक बहुत बड़ा कारण बनता है और वॉलैनिक एक्टिविटी के कारण भी अर्थ में एक प्रकार का वाइब्रेशन होता है पी एस एल वी के कारण एक प्रकार का वाइब्रेशन ट्रिगर होता है जो मास मूवमेंट को बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है फैसिलिटेट करता है सो द राइट आंसर प्रेसिपिटेशन एंड वॉल्केकैनिक एक्टिविटी नेक्स्ट वन फीचर्स ऑफ वेदरिंग वेदरिंग का कौन कौन सा फीचर है वेदरिंग का मतलब ये होता है कि अपनी जगह पे चट्टान का डिस होना फिजिकली या केमिकली अपनी जगह पे घुल घुलकर सोल्यूशन के द्वारा वो घुल फिल कर अगर वो अपनी जगह पे डिकम्पोज होता है अपनी जगह पे वो टूटता है फूटता है तो उसे हम लोग वेदरिंग कहते हैं लेकिन वेदरिंग एक इनसाइट प्रोसेस या इन सीटू प्रोसेस या कई बार हम उसे ऑन सी टू प्रोसेस भी कहते हैं ऑन सी टू का मतलब क्या होता है कि रॉक अपनी जगह पे ही टूट फूट रहा है किसी प्रकार का वहां पे एक्सटर्नल एजेंट लाइक विंड लाइक वाटर सी वेव के द्वारा किसी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे नहीं हो रहा है तो एक पैसिव प्रोसेस है अगर इरोजन की बात करें तो इरोजन एक एक्टिव प्रोसेस है लेकिन अगर हम लोग वेदरिंग की बात करें तो वो एक पैसिव प्रोसेस है अपने नेचर में ये फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल तीनों प्रकार का होता है और यहां पे रॉक्स का फिजिकल डिसइंटीग्रेशन या केमिकल डिकोजिशन चाहे वो ब्रेकिंग डाउन चाहे वो डिकेंग सो द राइट आंसर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट वे टू प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन सॉइल डिग्रेडेशन को या सॉइल के फर्टिलिटी को खराब होने से बचाने के लिए सबसे बेस्ट वे कौन सा है ऑप्शन नंबर वन यूजिंग फर्टिलाइजर कंट्रोल ग्रेजिंग डिफॉरेस्टेशन पेड़ पौधों के काटने से और बहुत ज्यादा केमिकल्स या फर्टिलाइजर का यूज करने से सॉइल डिग्रेड होता है उसकी वैल्यू खराब होती है उसकी फर्टिलिटी खराब होती है तो ये सॉइल डिग्रेडेशन को ट्रिगर करेगा ऑप्शन नंबर टू में यूजिंग पेस्टिसाइड का भी यूज सॉयल को डिग्रेड करता है एफॉरेस्टेशन या पेड़ पौधे लगाने के कारण या प्लांटेशन एक्टिविटी के कारण अगर आप देखें तो यहां पे सॉइल डिग्रेडेशन कम होता है ओवरग्रेजिंग के कारण अगेन सॉइल डिग्रेडेशन का खतरा बढ़ता है ऑप्शन नंबर थ्री को देखें प्लांटेशन के कारण एफॉरेस्टेशन एक्टिविटी के कारण फॉर्म नेचुरल बैरियर के कारण जिसके कारण कोई भी स्ट्रीम है या रिवर है या वाटर है अगर उसकी स्पीड कम होती है और अल्टरनेट क्रॉपिंग के कारण कहीं ना कहीं हमारे सॉइल डिग्रेडेशन प्रैक्टिस कम होते हैं और सॉइल कंजर्वेशन के प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं फैसिलिटेशन मिलता है सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री प्लांटेशन फॉर्म नेचुरल बैरियर एंड ऑल्टरनेट क्रॉपिंग नेक्स्ट वन सेलेक्ट द मोस्ट इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन अब देखिए यहां पे अगर इस इनअप्रोप्रिएट की बात करें इस इनअप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब होता है जो राइट right नहीं है जो रॉन्ग है जो अप्रोप्रिएट नहीं है इसीलिए उसको क्या बोलते हैं इनअप्रोप्रिएट बोलते हैं थिकनेस ऑफ द सॉयल नॉट डिटरमाइंड बाई पेरेंट रॉक पेरिन रॉक की बात करें इग्नियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक से जो भी सॉयल बनता है वो उस सॉइल के कलर को उसमें मिनरल्स की अवेबिलिटी को उसके पोरोसिटी को उसमें मिनरल्स के प्रेजेंस को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है तो थिकनेस को प्रभावित नहीं करता ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल सही है ऑप्शन टू को देखें माइक्रोबायोलॉजिकल एक्शंस आर लीस्ट रिस्पॉन्सिबल माइक्रोबायोलॉजिकल एक्शंस जिसे सॉइल फॉर्मेशन का एक्टिव प्रोसेस एक्टिव फैक्टर क्लाइमेट के साथ साथ माना जाता है और माइक्रोबायोलॉजिकल एक्शन लीस्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है मोस्ट रिस्पॉन्सिबल है सो ऑप्शन नंबर टू इज मोस्ट इन अप्रोप्रिएट सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू अगर ऑप्शन नंबर थ्री को देखें रिलीफ फैसिलिटेट्स द डेपोजिशनल प्रोसेस रिलीफ कहीं ना कहीं डेपोजिशनल प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है माउंटेन की बात करें प्लेटू की बात करें प्लेन की बात करें माउंटेन या प्लेटू वाले एरिया में स्लोप ज़्यादा होता है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी तो वहाँ पे सॉयल का थिकनेस कम होगा लेकिन अगर प्लेन एरिया की बात करें प्लेन एरिया में फ्लैटनेस होता है स्लोप कम होता है तो वो थिकनेस को ज़्यादा दिखाएगा या सॉयल बोल सकते हैं कि डिपोजिशनल प्रोसेस वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटेट होगा यही कारण है कि मैदानी एरिया में या प्लेन एरिया में हमें थिकनेस ऑफ सॉयल या सॉइल की परत की गहराई हमें ज़्यादा दिखती है और यही कारण है कि प्लेन एरिया में समतल मैदानी एरिया में एलोवियल सॉइल वाले एरिया में हमें ज़्यादा कल्टिवेशन ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ड्यू टू थिकनेस ऑफ सॉयल हमें होते हुए दिखती है सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर माइक्रोबायोलॉजिकल एक्शन लिस्ट नहीं होता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह होता है नेक्स्ट वन फीचर्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसे रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं उसके कौन से फीचर हैं लीफ शेडिंग इन अ पर्टिकुलर स्पेल लीफ शेडिंग फीचर जो होता है वो डेसिडूस फॉरेस्ट का होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन में ड्राई स्पेल की अवेबिलिटी या कम से कम पानी की उपलब्धता के कारण पेड़ पौधे अपने अवेलेबल वाटर को प्रिजर्व करने के लिए एक प्रकार का शेडिंग लीफ के नेचर को दिखाते हैं so, अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण जनरली वहाँ पे लीफ शेडिंग फीचर नहीं देखा जाता फॉरेस्ट में देखा जाता है सो द राइट आंसर हाईली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल एंड टेम्परेचर ऑप्शन नंबर टू Which of the following layer is not the part of soil profile? Soil profile या soil horizon का part किस layer को आप नहीं मानेंगे टॉप सॉइल सबसे ऊपर में होता है पेरेंट बेड रॉक सबसे नीचे होता है वेदर्ड पेरेंट रॉक थर्ड नंबर पे होता तो ये तीनों सॉइल प्रोफाइल या सॉइल होराइजन के इंपॉर्टेंट इंटीग्रल लेयर्स हैं सो एस पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर नन ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसोर्स किसी आप रिसोर्स का टाइप नहीं मानेंगे फॉजिल फ्यूल एक प्रकार का नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है मिनरल्स की बात करें वो भी एक प्रकार का नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक रिसोर्स है सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर नॉन ऑफ दीज इस डिस्कशन में इतनी ही बात है आई होप इन सभी क्वेश्चन के डिस्कशन से क्लास एट जोग्राफी के चैप्टर नंबर वन और चैप्टर नंबर टू के कंसेप्ट को समझने में इस क्वेश्चंस के द्वारा आपकी एक बेहतर हेल्प हो पाएगी अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम दोबारा आएंगे तब तक आप रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए हैप्पी लर्निंग